धीरेन्द्र शास्त्री को कोई अंधविश्वास फैलाने वाला कह रहा है, कोई उन्हें जादू टोने वाला बाबा कह रहा है, उन्हें चुनौतियां दी जा रही हैं कि वो अपनी शक्ति को सबके सामने साबित करके दिखाएं। हमने कल भी ये कहा था कि चुनौतियां देना तो बहुत अच्छी बात है बॉस, लेकिन जैसी चुनौतियां सनातन से जुड़े बाबाओं को दी जाती हैं, वैसे ही चुनौतियां चर्च में जाने से बीमारी का इलाज हो जाने का दावा करने वालों को भी दो, या कान में फूंक कर इलाज कर देने वाले मौलवियों को भी दी जानी चाहिए। सच सबका सामने लाने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन बार बार ये एक धर्म विशेष से जोड़कर प्रयास होता है या आरोप लगता है। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं कि बाकियों से भी पूछा जाए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी के मामले में एक अनोखी चीज हुई जो शायद ही पहले कभी हुई हो। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को जब चुनौतियां मिली तो उन्होंने रायपुर में सबके सामने एक टेस्ट दिया। आज मैं आपको धीरेन्द्र शास्त्री की हिडन फाइल्स दिखाऊं, उनके साथ मेरी कुछ बातचीत हुई वो बातचीत दिखाऊं, उससे पहले आपको ये टेस्ट दिखाना चाहता हूं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में अपना दरबार लगाया हुआ था। बाबा का दावा था कि उनके दरबार में करीब 4 लाख लोग मौजूद थे, भीड़ तो खचाखच भरी हुई थी। विवादों के कारण कई पत्रकार भी दरबार में कवरेज के लिए पहुंचे हुए थे कि देखें वहां क्या होता है। टाइम्स नाउ ना भारत के पत्रकार भी वहां थे, उन्होंने क्या देखा वो भी बताऊंगा। लेकिन बाबा ने पत्रकारों को चैलेंज दे दिया कि पत्रकार चाहें तो उनका टेस्ट लेने के लिए किसी भी पत्रकार को भेज सकते हैं, आओ मेरा टेस्ट ले। तो पहले पत्रकारों में आपस में हुआ किसको भेजें, फिर हुआ कि एक काम कीजिए आप ही किसी को चुन दीजिए। तो पत्रकारों के बीच में से एक महिला पत्रकार सामने आई, पहले रैंडमली चुना गया, तो एक महिला पत्रकार को कहा गया कि आप पूछ लीजिए, आप देख लीजिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उस महिला पत्रकार से कहा कि वो चाहे तो लोगों की भीड़ से अपनी पसंद के किसी भी शख्स को चुन ले, किसी भी, इतनी भीड़ में से कोई एक व्यक्ति को आप उठाकर ले आओ, उसके बारे में मैं लिखूंगा। बाबा उस अनजान शख्स की तकलीफ पर्चे पर पहले ही लिख देंगे। अच्छा, दावा यह भी कर दिया तुम उधर ढूंढो कि किसको लेकर आओगे, मैं तो नहीं बता रहा, इतने लोगों में से रैंडमली किसी को भी उठा लो, और उसकी क्या तकलीफ है, उसकी क्या समस्या है, तुम जब ढूंढ रहे होगे कि किसको लाओगे, मैं उतने देर में पहले लिखकर रख दूंगा और वो पर्चा उसी का निकलेगा। ये चैलेंज दे दिया उन्होंने पत्रकारों को। इसके बाद महिला पत्रकार लोगों के बीच पहुंच गई, लोगों के बीच ढूंढने लगी, इतने में बाबा ने पर्ची पर चुने जाने वाले शख्स के बारे में पहले से लिख दिया। पहले यह हैरान करने वाला लाइव टेस्ट देखिए क्या हुआ वहां। तो आपने देखा धीरेन्द्र शास्त्री ने चैलेंज दिया महिला पत्रकार को, रैंडमली चुना, उनसे कहा आप महिलाओं में से या किसी में से भी, इतने हजारों लाखों की भीड़ में से किसी को उठा के ले आइए। वो काले कुर्ते में जब महिला ढूंढ रही है किसको लेकर आऊं, उतनी देर में उन्होंने लिख कर भी रख दिया कि जिसको आप लेकर आएंगे उसकी क्या समस्या होगी। यानी जिस महिला पत्रकार को रैंडमली सेलेक्ट किया गया वो भीड़ के बीच किसी व्यक्ति को चुनने के लिए गई, वहां लाखों लोग बैठे थे, किसी को पता नहीं था कि वो किसे सेलेक्ट करेगी। लाखों की भीड़ के बीच महिला पत्रकार एक महिला को ढूंढ कर लाई। अब देखना यह था कि क्या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले से ही जो पर्चा लिखकर रखा था उस पर्चे में क्या वाकई उसी महिला से जुड़ी जानकारियां थी जिसको वो महिला पत्रकार ढूंढ कर लाई थी। यह महिला जब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के सामने लाई गई उसके बाद क्या हुआ, जरा लाइव टेस्ट में देखिए।